इब्राहिम साहब हाँ माजे साहब जी राय वहाँ बुधी तो हूँ तो छाप लाहन लाइ उन्होंने ये कहो बो या खान साहब जी पॉलिसी है वाकई खान साहब भी कुछ डीन का आर्मी चीफ डीजी आईएसआई के टारगेट तो कन पाया चुन पा कुछ थो तो जिम्मेवार उदा गडो गड ही जो राय है तो मे बी इन वजारत न रहे जो वाकई को गवर्नर आज अड़े किस्म की सूरत हाल थी सी फैसल करीम कुंडी जब जो बयान अचन पे उत गवर्नर आन उन्होंने बयान गंडापुर जा फैसल करीम लाइ जाहिर ही तो इन बयान पर फैसलो तो मथी लेवल से थी इम्कानी तौर पर थी सके तो जर कार्रवाई थे थी तो रद्देमल जी जका गंडापुर जी अज तीन गाल है रद्देमल रुगो वो आऊं तो अना इन का वधिक जको तो करा तो छाकण जो जे अंदाज में हनन जे के से जको कुछ गालायो है मामले के जे पासे वठ पे वन मिसाल तो एकरो तासर यो रहयो है इस टाइम तो भई कुछ जो के से एस्टेब्लिशमेंट से गालियों थी एनपीएम पीटीआई जो खान साहब जल्दी आजाद किए तो खान साहब जो कुछ वो कुछ जो कुछ वठवारन मामलन से वो राजी थी वो है जल्दी आजादी दे आऊं न तो समझा तो इन सूरत हाल का वो जो को तो इमरान खान रोने जो हुन फायदो वरतो है पेरियो पेरियो फायदो उन्हीं जो को सो सुप्रीम कोर्ट जो फैसले के जरिए 190 का पाउंड जो को तो जो केस है जो को मिले पाउंड जो नेब तरमीम उन्हीं नेब तरमीम जो पेरियो पेरियो फायदो वरतो है यानी वो ही दरख्वास्त गुजार जे चयो थी रद्द कयो वन उन्हीं में जड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसलो नो पेरियो जो को वो मकसद खबरू हुई आजाद अड़ी आजादी सवली न मिलती खान साहब के या पीटीआई के जलसा करण की जो था वो सहूलत था वो इन पान हथ से विनाई है शायद उन्होंने पोया यो ही मोट हो तभी हाँ जलसा बच्चा करना ठीक है हुक्मरानी आए हुक्मरानी कर हुक्मरानी उनके इंजॉय कर उन्हें डायरेक्ट जो बोली गाली है फौज के हवाले से चलो इन खी यो मौको दुरुस्त बुझे पर बिल्कुल उन्हीं अंदाज से गाली है जैसे सदा ही तनखीद थी रही है खान साहब के पोलाइट हुजन घुर्जे खान साहब के जो पैंजे मानून के समझाने घुर्जे पर जैसे तर्जमानी गंडापुर खान साहब की चुप करे तो तुम समझी वो इमरान खान साहब में का तब्दीली को आई है तो इमरान खान साहब अजा उन्हीं लाइन से बीठो है जै लाइन से उनके जनरल फैज बिहारे छो हाँ सवाल यो पैदा थे तो जनरल फैज ना है तो केर है इमरान खान के हलने वो यो सवाल जो मुझे लिए तमाम घो अहम है जो अना उन्हीं लाइन से आए तो इट मीन भी गड़बड़ बदी है बाकी यो बिल्कुल दुरुस्त है जैसे गंडापुर के हटाए के तौर वो इन्हीं मतलब अच्छा हाँ सबब बोले सकजन था सो वो वो मैसेज रुगो उ पीटीआई को पीटीआई चलो तालिबान की हिमायत हिमायत करो कटे वे अड़ी बराबर बया स्टेक होल्डर पे उत अचक भाई साहब चल जलसे में यो जो जलसो जैमें मत स्टेज से अचान तीन मानून जहाँ खीसा थी वन वो तो इनकलाब आने न तो सके तो मैं समझा तो स्टेक होल्डर घट में घट पीटीआई की जो सो वसी परस्पेक्ट में खड़ी वही हिमायत कन पर जो बोली इन गाली है गंडापुर उन्हें जीते हमारे में सगर सही।